पागल लग रहा था भाई। छतों के जो है मैं कहूंगा कि इस प्रकार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल रा 24 न्यूज को। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा अब तक, लेकिन मैं उन अजूबा में से एक ऐसी अजूबा आपको मैं बताऊंगा और यहाँ के महत्ता के बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सरौली उर्फ पहतिया गांव में, और सामने ये देख रहे हैं बगल में मस्जिद भी है और ये ईंट पत्थर हैं, और ये इतनी जो सुंदर हवेली है इसका मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा और अंदर कुछ चीजें आपको मैं दिखाऊंगा जो कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाली वो चीजें हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, उनसे हम जानकारी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि धीरे धीरे इस हवेली के अंदर चलेंगे हम, और आपको बता रहे हैं दोस्तों कि ये जान साहब की ये हवेली सिर्फ और सिर्फ एक दिन के कमाई से आज से लगभग 110 साल पहले ये हवेली बनाई गई थी। और लोगों का कहना है यहाँ का कि यहाँ पर एक समय पहले कोर्ट भी चलता था। तो आइए अब हम चलेंगे, देखिए अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ऊपर से हवेली को दिखाते हुए चले, और यहाँ पर अंदर कुछ लोग रहते भी हैं। देखिए ये क्या है, अभी देखिए मिट्टी का जो लेप लगा हुआ है दीवारों पर, और इस तरह से बेड में लाइट भी जल रहा है, और लोग कहते हैं कि ये खंडहर जैसी जो हवेली है लोग भूत घर के नाम से भी लोग कहते हैं कभी कभी। जो भी चीज हो हम इसको इस तरह से कह नहीं सकते लोगों की भावनाओं के अनुसार, लेकिन इस हवेली के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि वो सब चीजें दिखाते रहे दिखाएं, और देखिए कितनी खूबसूरत दरवाजे की नक्काशी है, और ये देखिए इधर ये सब चीज है, और यहाँ पर ये देखिए ईंटें जो हैं किस प्रकार की ईंटें हैं और कितनी खूबसूरत जो ईंटें हैं, और जो आज के ईंटों के लखौटी ईंटें कहा जाता है से लखौटी ईंटों से ये दीवारें बनी हुई हैं पूरा, और पूरे पत्थर की जो ये हवेली है, और इस प्रकार से यहाँ पर कोर्ट एक समय कोर्ट भी चलता था। और सबसे बड़ा ये चीजें देखिए आपको यहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर वो खाना वाना भी बना रहे हैं जिस प्रकार से है, और गुंबद जैसा पूरा मालूम जिस प्रकार से इतनी जो खूबसूरत हवेली है, और गुंबद जैसा उधर भी हम आपको चल करके दिखाएंगे कुछ जो भी हवेली है। और अंधेरा होने की वजह से देखिए मैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए खंभे की नक्काशी, ये जान साहब के द्वारा इस हवेली का निर्माण किया गया था, और करीब 120 वर्ष पहले जब उन्होंने बारिस्टर की उपाधि लेकर के आए हुए थे तो उन्होंने सिर्फ किसी व्यक्ति को सजा जब हुआ था तो उन्होंने उसको बरी किया था, तो उसी एक दिन की कमाई से इस हवेली का उन्होंने निर्माण कराया था। और हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे, देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और ये जो ईंटें हैं अभी आजकल के ईंटें जो आ रहे हैं, और इन ईंटों को देख लीजिए 120 वर्ष समझिए कितना लंबा समय होता है, और कितनी खूबसूरत। लेकिन आज जिस प्रकार से ये उपेक्षा का शिकार है, लेकिन आज भी जिस तरह से इसकी नींव की ईंटें मजबूत और टिकी हुई हैं, कहीं न कहीं दोस्तों देखिए आइए हम इसके घर के अंदर चलिए, जहां पर उनका एक समय ये हुआ करता था कि ये स्वयं कक्ष था जान साहब का जब आए थे वो, और तो इसमें वो रहते थे। ऊपर देखिए कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा ये सब चीजें कितनी उस तरह से है,
जो लाइट कम होने की वजह से विजुअलिटी काफी अंधेरा है इसमें, लेकिन हम आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस प्रकार से है ये। और देखिए, और इधर कहीं इसका सीढ़ी होगा आने जाने के लिए ऊपर, जिस सीढ़ी को भी हम दिखाएंगे कितनी खूबसूरत है। और यहाँ से देखिए, ये क्या था, किचन का था उस समय। देखिए नहीं, पुस्तक रखे थे। और यहाँ पर क्या है, पुस्तक वाला था लाइट पढ़ने के लिए। अच्छा, ये उनका जो था पढ़ने लिखने का स्थान था। और इसमें लोग बता रहे हैं, देखिए कितना है सामने जो है दादर, आपको सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है। और हम वहाँ भी कुछ आप लोगों को दिखाएंगे और मटके का जिस तरह से है। और यहाँ पर दादी वादी जो लोग रहते हैं और शायद यही देख रेख कर रही है। और जिस प्रकार से देखिए आज भी कितना, अरे टेक्निकल यूज में देखिए, यहाँ पर चूल्ही है और चूल्ही में किस प्रकार से देखिए, गांव में चूल्ही बोलते हैं और अंगीठी है और लकड़ी के द्वारा खाना तैयार किया जा रहा है। ये सब चीजें हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ आपको, अब ये सब चीजें नहीं दिखने के लिए मिलेंगी, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं सब चीजें जान साहब की हवेली के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सराय सरौली पहेतिया का है। देखिए कितनी खूबसूरत ये सीढ़ियां हैं और इसका वर्णन किया जाए जितना ही वर्णन किया जाए कम है। और इसकी खासियत को हम आपको दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से अपना कैमरा पर्सन से, हालांकि बहुत कठिनाई हो रही है। अरे पागल लग रहा था भाई, चिल्ला कितनी खूबसूरत अनरियम जो ये चीजें है छतों के। देखिए छत जो है इसके, छतों के जो है मैं कहूंगा कि इस प्रकार से जो छत है और कितनी मोटी छतें थी पहले। और देखिए हालांकि ये सब टूट गया है, लेकिन मैं काफी खतरनाक है ये सब चीजें, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और कितनी बगल में मस्जिद है, गुंबज है। और इस तरह से शायद इनका जो भी कुछ हो ये सामने दिखाई दे रहा है विजुअलिटी की वजह से। चलिए दोस्तों, और इधर भी था उधर जाने खतरनाक है। और देखिए इनका ये पहले उस समय क्या था, लोग स्नान करते थे यहाँ पर, ये बावड़ी जैसे बोलते हैं ना बावड़ी ये, और वहाँ से जो भी है वहाँ पर पैसे भी चिपकाए गए हैं। अंधेरे की वजह से नहीं दिखा सकता हूँ ये सब चीजें हैं। ये पानी आज जो है ये सब बच्चे लोगों को खेलने का स्थान बन चुका है। देखा जब मैं आया इधर तो ये सब जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे थे। और जिस प्रकार से, चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आपका राजन ओझा लाट 24 न्यूज से। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर लाइक करें और एक सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें। धन्यवाद।